बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दसरा की वसीयत दोस्तों भिरावो भाइयों अस्सलाम वालेकुम। जिमें कि कुछ दोस्तों को पता है कुछ अर्सा पहले मियाँ फयाज हुसैन छजड़ा साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन ज्वाइन की थी। यकीनन उन्हें फैसला अपने हल्के की आवाम अपने हल्के के मसाइल मद्देनजर रख के की। दोस्तों तो आपको पता है पिछले 40 साल की ने हल्का एन 183 पसमानदगी का शिकार है। जितना भी इतना हुक्मरान है वो सिर्फ जाती मफाद की हद तक अपने जाती मफाद आप तक हासिल कर गए, लेकिन अवाम के बारे बिल्कुल उन्हें नहीं सोचा। गरीब अवाम के बारे कोई योजे इकदाम नहीं किए जेदे नाल कहीं गरीब को फायदा थी वे। उन्हें तालीम के बारे कोई योजना काम नहीं किए, उन्हें सेहत के बारे कोई योजना काम नहीं किए, कोई योजना काम नहीं करके गए जेदे नाल अवाम को जो सुख का सहक है। पूरे सारे मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट तुसा देख सकते वे, मुजफ्फरगढ़ जिले की तकरीबन 5 लाख आबादी है। 5 लाख आबादी के जिले के एक यूनिवर्सिटी कैंपस ही कहें, जबकि तुसा देखो लइए को लइया हूँ बने जिला तहसील ही जिला बने। अज मन देखो उतो कैंपस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है। सारे डिस्ट्रिक्ट को सारे जो पुराने सियासतदान हैं पुराने चले हुए कारतूस हैं उन्हें सिर्फ जाति मफाद की हद तक ही है। उन्हें मफादार जाती मफाद के अलावा लोग गरीब आवाम के बारे नहीं सोचा। मियाँ फयाज हुसैन छजड़ा साहब 8 साल मुसलसल जो मेहनत करें दे पाए, जितना भी उन्हें कि अपने मसायल अपने जितना भी उन्हें कि तौफीक थी दी पई गरीबें के दुख सुख शरीक हैं, जितना भी उन्हें कि थी सकते लोग इन्हें मसायल हल करें दे पाए। तो आपको पता है बहुत सारे उन्हें ऐसे काम किए, और मैं इतना आख सकता कि उन्हें इन अरसे दे विच शायद जड़े लोग हुकूमत रह गए उन्हें की कारगर्दगी चाह गिनो तो मियाँ फयाज साहब की भी चाह गिनो तो मियाँ फयाज साहब तो की कारगर्दगी ज्यादा लग सी। दोस्तों उन्हें फैसला किए सिर्फ गरीब आवाम गरीब दोस्तों वास किए। तुसा मन के देख सकते वे ऐसे ऐसे घर मौजूद हैं आज 2022 दे विच भी जितना बिजली कह ऐसे घर मौजूद हैं जितना बिल्कुल आवन वन का सही मानी रस्ता भी कहने लोग बहुत सारे मुश्किल का सामना करें दे पाए। हालांकि तुसा कहीं बई जगह चले वजो कारपेट रोड है सारे हल्के के अंदर कोई कारपेट रोड कह नहीं कोई योजना इन्हें काम नहीं किए। वोट गिन भी दें लोगों की ने लेकिन वोट नहीं दिते लोगों वोट के बदले उन्हें मसायल हल नहीं किया। अगर कोई चलिया भी वेंदे उन्हें दे रहे थे तो बजाय उन्हें की इज्जत और इन वजह तू तुम्हारे सामने मियाँ फयाज छजड़ा साहब ने जिस टाइम सियासत अहम और इन्हें गोदे की जे गोदे हैं जेडे आज छी महीने बाद लिस्ट तैयार करके आते हैं फातह लेंदे हैं अज वो मजबूर थी चुके अज और हर चौथे 15 बार वेंदे लोगों की ने मियाँ फयाज 24 घंटे हल्के मौजूद है। लोगों ने अपने तरफ मसायल भी हल करने पे अगर उन्हें नून लीग वाला फैसला भी किए असा उन्हें ये फैसले को एप्रीशिएट करें से असा उन्हें साफ उम्मीद है कि उन्हें ये फैसला अपने हल्के की आवाम अपने दोस्तों के मसायल को मद्देनजर रख के किए मसायल हल करे सन। वाकई ये जरा फैसला है ये कोई साढ़े वसे बिच कोई तरक्याती काम थी सन साढ़े वसे बिच कोई प्रोजेक्ट आसन कारपेट रोड आसन सारे वसेल दे सेहत दे मसायल हाल थी सन तालीम दे मसायल हाल थी सन इवें ही। बाकी कुछ दोस्त जेरे पीटीआई दे मेरे वास के सारे काबिल एहतराम है। दोस्तों देखो इख्तलाफ राय जमहूरियत हुस्न है, इख्तलाफ आपको भी थी सकते मैं भी थी सकते, लेकिन कम अज कम बंदा जिस टाइम कोई गुफ्तगू करें दे या यूजे कमेंट्स करें दे कम अज कम इंसान को इखलाकियात छोड़ना चाहिए।
उन्हें कोई योजना इकदाम नहीं किए जल वसेब मुल्क दे अंदर कोई आवाम सुख का सह गिने। और तुसा देख सकते वे पी टी आई की हुकूमत मकामी एम पी ए को देख गिनो जेडे सारे जिले के मकामी एम पी ए इन्हें थाने की सियासत की है चट्टी दलालियां की थाने तो मंथली गिनती है कोई मैं यो थाना करमदार कुरेशी दे गिनो जैसे टोटल जरा मौजूदा एम पी आ उतो का जो हूँ भी है पी आते उतो मंथलियां गिनता उतना झूठे एफ आई आर करेंगे। और ये भी तुम्हारे सामने हूँ पिछों कुछ अरसा पहलो इवें बहुत खाद का खाद ही खाद माफिया इतना आया ही सारे ये एम पी ए जड़े सरपरस्ती खादा मिल जाए अगर मिल ही नहीं जान अदरवाइज की खाद कहीं मिलती नहीं और इो अपनी अपनी मतलब सरपरस्ती खाद को माफिया के तौर पर इन्हें डबल पैसे खिल के विचेंदे रह गए ब्लैक के विचेंदे रह गए। क्या असा इन्हें लोगों को वोट दिता क्या इन्हें लोगों को इो आख्या अस कि क्या तुसा सा ब्लैक गिनो इन्हें तक मकसद तो आई सारे आसानियां पैदा कर सारे मसायल हल कर और नायब कासिद जो सीटा आया इन्हें अठ अठ लाख रुपए छह छह लाख रुपया गिन के सीटा बेच बजाय गरीब कहीं गरीब का बाल लग वा कहीं गरीब का घर का सिस्टम चल वा इन्हें लोग उतो पैसे गिने इवें तुसा देख लो हूँ पी टी आई हुकूमत 1947 किने पाकिस्तान बने 1947 किने ला 2018 के अंदर दोस्तों पाकिस्तान का कर्जा गलबन कोई 25 to 26 हज़ार और एक पी टी आई उन्दे विच मुख्तलिफ हुकूमत है नून लीग अपने 9 साल दौरे इकतदार 9,000 अरब जीते इवें ही पीपल पार्टी गलबन 7.5 to 8 अरब जीते पी टी आई ने 20 अरब रुपया जीते कर्जा। चलो नून लीग तो सब समझ आती है तुम्हारे मुल्क दे विच देखो लाहौर तो समझो 3 घंटे का सफर है मुल्क के अंदर हस्पताल बने मुल्क के अंदर कुछ साकु कुछ बेहतरी नजर आई है बिजली बना के गए हैं लोड शेडिंग खत्म की गई 2018 के अंदर आज वहाँ मुसीबत असं मुद्दे के पास लोड शेडिंग 12 घंटे लाइट कहनी होती और अस आज भी उम्मीद करें से आज ये पिछले 4.5 साल एक यो जो ना तजर्बाकार लोगों ने इन हुकूमत चली गई है ओ उनकी वजह के कुछ हुकूमत का माशी हालात खराब थी गए इंशाल्लाह साकू उम्मीद है ये गवर्नमेंट ये जो मुश्किल आज फैसले हैं वो पिछली हुकूमत के नाकामियों की वजह के हैं इंशाल्लाह ये मामलात हल थी सन और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आ सी। और कुछ दोस्त ने कुआरे पहन यार नून लीग तो गद्दार पार्टी है ये सारी पी टी एम गद्दार पार्टी है दोस्तों ये दसो सारे मुल्क की जी फौज है नंबर 1 फौज है दुनिया की 1 फौज है सारे मुल्क दे विच एजेंसियां हैं जिहड़ियां क्या अगर गद्दार लोग होते क्या इन्हें कोई आज इन्हें को हुक्मरानी करन देवे ना सारे कितने तकरीबन गलबन 32-35 हैं जिहड़े इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं बार-बार इन्हें च ISI थी गई MI थी गई FI थी गई IB थी गई NI स्पेशल ब्रांच क्या क्यों खामोश है अगर ये लोग गद्दार होते और इन्हें लोगों को वो लटका छोड़े ना साकू अपनी फौज साकू अपने इदारे ने उतने इतना भरोसा है क्यों खामोश है दोस्तों एक कोई गद्दार कह नहीं अगर ये गद्दार होंगे हुकूमत ना होते ये सिर्फ इल्जाम की राशि सिर्फ क्योंकि इमरान खान साहब पिछले 3.5 साल है कोई भी बंदा जिस टाइम इकतदार चाहते अगले इलेक्शन में चले वेंदे वो हमेशा अपना पिछला वो रिकॉर्ड चाह के वेंदे कि यार मैं इतना प्रोजेक्ट जीते इन बुनियाद में वोट दो क्योंकि इमरान खान के 3.5 साल के अंदर कोई योजना ये कहना आई कि जड़ी बुनियाद पर बनिए लोगों के वोट वो झूठा ड्रामा रचा के अमेरिका साजिश की थी फलां साजिश की थी अमेरिका के इन्हें इन्हें फंड किए वो किने गए हूँ चंद ने इन्हें अंदर वो चलाए वो अपना वो जरा झूठा ड्रामा आई लोगों को गुमराह करने वाला वो हूँ किने गए आजकल तक इन्हें जब से नहीं करेंगे कि अमेरिका साजिश की थी क्या कही है सारा मुल्क अलहमदुलिल्लाह सारे इदारे इतने मजबूत हैं कि कोई बैरूनी ताकत इन्हें सुधार कर नहीं कर सकती कोई बैरूनी नहीं कर सकती अगर सारे मुल्क के अंदर जो हुक्मरान हैं अगर गद्दार होंगे सारे इदारे इन्हें को कतन आज इकतदार देने न पहुँचा मैं वाली तमाम दोस्तों को मेरे सारे पी टी आई के दोस्त हैं जितने भी दोस्त हैं
नून लीग देन पीपल पार्टी देन सारे सारे बस के काबिल एहतराम है असा वल भी दोस्तों तो यो रिक्वेस्ट करे सु कि ए अपने इलाके दे जेडे मसाइल हैं इन्हें बाकी मामलात किने बाला तार के उन्हें दे बारे सोचो क्या असा इलाके दे मसाइल किवें हल करना है सारा इलाका जो इतना पसमानदा इलाका थी ना वेंदा इतना सारे इलाके दे मसाइल ही मसाइल बढ़ गए वेन क्या असा उन्हें दे क्या हल इन्हें मियां साहब होम लीग ज्वाइन की थी इंशाल्लाह मसाइल हल थी सर इंशाल्लाह सारे वसेब दे विच लोग सुख दशा गिन सन वसेब दे अंदर इंशाल्लाह इतना यूनिवर्सिटी भी गिनना सन इतना मसाइल भी हल करे सर इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करे सी।